तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सागर टुडे। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है, जो बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उन्होंने रिजाइन दे दिया और बांग्लादेश छोड़ के वो इंडिया आ चुकी हैं। तो पीछे से जो प्रोटेस्टर्स जो हैं, उन्होंने बांग्लादेश में बहुत ही हुड़दंग लीला मचा रखी है, बहुत ही आतंक मचा रखा है। जगह जगह उन्होंने तोड़फाड़ कर रखी है, चोरी, डकैती, लूटपाट, और कहीं कहीं उन्होंने आग लगा दी है। तो और उन्होंने अब मेन टारगेट जो है, जो वहाँ पे जो हिंदू लोग हैं, हिंदू को उन्होंने पकड़ लिया है। तो हिंदुओं पे वो अत्याचार कर रहे हैं, जितने भी उनको हिंदू दिख रहे हैं उनको घरों के वो आग लगा रहे हैं, उनके घरों पे आग लगा रहे हैं, और हिंदुओं की जो दुकानें हैं उनको लूट रहे हैं। और इवन वहाँ पे देखिए, कुछ तो सब्जी जो है, जो हिंदू जो सब्जियाँ लगाते हैं उनकी सब्जियाँ तक वो लूट के ले जा रहे हैं। और इसी दौरान उनकी पुलिस के साथ मुठभेड़ भी हो रही है। और इस पे जब भी उनको पता चला कि शेख हसीना जो है, अपना जो उनका जो आवास है, पीएम हाउस है, तो उसको छोड़ चुकी हैं, तो सारे जितने भी प्रोटेस्टर्स थे जबरन जबरदस्ती उनके जो पीएम हाउस है उसमें घुस गए, और वहाँ पे बिल्कुल अंधाधुंध उन्होंने लूटपाट और चोरी डकैती करी। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, ये देखो जो पीएम हाउस है उनके बेड पे लेट गए, और बंदा वहाँ बिरयानी खा रहा है, मछली चुरा के लिया है, बकरा चुरा के लिया है, बाल्टियाँ चुरा के लिया है, घड़ी चुरा के लिया है, चेयर लिया है, एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स लेकर आ गए, टीवी उठा के लिया है, और मुर्गा उठा के लिया है, और ये देखो उनका ब्लाउज उठा के लिया है, ब्रा उठा के लिया है, और उसका सूटकेस उठा के लिया है पीएम का। तो जो जो वहां सामान पड़ा हुआ था, ये देखो ब्रा और ब्लाउज उठा के लिया है, तो अपने पीएम का सिंक उठा के लिया है, जो किचन का सिंक होता है वही उखाड़ के लिया है, चेयर उठा के लिया है, जिसे जो मिला वो वही उठा के लिया है, ये पंखा तक बंदे ने नहीं छोड़ा। तो आप देखेंगे तो इस तरीके से इतनी चीप हरकत कौन करता है? मेरे हिसाब से तो शायद ही कोई करता होगा। जो प्रोटेस्टर्स थे तो बताया जा रहा था कि वो स्टूडेंट्स थे, मुझे तो नहीं लगता भाई ये स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का काम है। तो इतनी घटिया हरकत कौन करता है, और वो भी अपने देश के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के घर में घुसना और ऐसे अंधाधुंध ऐसे चोरी करना और उठाना, सामान उठा के लाना। तो एक तो ये चीज़ ये दर्शाता है कि भाई इतना किसी पे साहस नहीं होता कि कोई भी आम आदमी जो है पीएम हाउस के अंदर एंट्री कर ले, तो एक रिस्पेक्ट होती है। तो इन्होंने तो कहीं से कहीं तक भी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं छोड़ी। और दूसरी चीज़, पीएम हाउस में सिक्योरिटी का काम है, जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं तो पुलिस वगैरह है उनका काम होता है उनकी पीएम हाउस की जो है सिक्योरिटी करना। तो अगर चलो शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर वहां से चली भी गई, उन्होंने रिजाइन भी दे दिया, एटलीस्ट जो पुलिस है आर्मी ऑफिशियल्स है उनका काम है जो पीएम हाउस जो है उनको उसको सेफ रखना, उसकी सिक्योरिटी के लिए वहां बंदे होने चाहिए। बट लेकिन ऐसा कैसी कैसा देश है भाई, इसमें पीएम हाउस की कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है। अरे वहां पे अगर 50-100 गनमैन भी होते, हाथ में गन होती, और पुलिस बिल्कुल गार्ड सिक्योरिटी के साथ बिल्कुल होती, इक्विपमेंट के साथ पुलिस अगर पूरी सेफ्टी के साथ पीएम हाउस के बाहर खड़ी रहती, क्योंकि उनको ये भी अंदाजा हो गया था कि अगर इतना वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतना अंधाधुंध इतनी उड़दंग लीला मचा रहे हैं, इतनी गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो वो पीएम हाउस भी आ सकते हैं, और यहाँ पे भी वो यहाँ पे भी पीएम हाउस आकर भी वो सारी तबाही जो है डैमेज कर सकते हैं। तो उनको पहले से ही जो अपने पुलिस कर्मी हैं उनको पीएम हाउस में भी तैनात करने चाहिए थे गन के साथ। तो ये इतने तक वाकया नहीं जाता, तो इतने हद तक लोग नहीं करते। और मुझे तो ये पता नहीं कि इनकी जो ये जो है ये स्टूडेंट तो कहीं से कहीं तक नहीं लग रहे। और जो ऐसे सिटीजन्स हो बांग्लादेश, जो अपने कंट्री के ऐसे घटिया सिटीजन्स हैं, जो अपने ही प्रधानमंत्री के जो अंडर गारमेंट्स है, ब्रा ब्लाउज ऐसे ऐसे यूं करके पूरे फोटो में दिखा रहे हैं, और ये मुझे नहीं पता इन्होंने कहाँ की ये पढ़ाई लिखाई इन्होंने करी है, कहाँ इनके माँ बाप ने इनको क्या शिक्षा दी है, मेरी तो समझ से बाहर है। तो इतनी घटिया हरकतें कौन करता है? इनके घर में कोई इनकी माँ बहने, इनकी माँ बहन नहीं है, कल को अगर इनकी कोई माँ बहनों का अंडर गारमेंट्स को ये ऐसे शो करे तो ये कोई अच्छी बात है? तो मुझे तो कहीं से कहीं तक समझ में नहीं आया कि इतनी घटिया हरकत ये कहाँ किस तरह इन्होंने, मतलब सारी हदें पार कर ली हैं बांग्लादेशियों ने। तो इतनी घटिया हरकतें कौन करता है कि अपने प्रधानमंत्री के जो अंडर गारमेंट्स है वही उसको भी चुरा लेना?
और भूखों की तरह बहुत सारी जो वीडियोस हैं आप देखोगे उसमें भूखों की तरह वहां पे बिरयानी पड़ी थी, ऐसे ऐसे चिकन बिरयानी यूं यूं खा रहे जैसे पता नहीं आज तक कभी खाया नहीं है इन्होंने, भुखमरे भिखारियों की तरह पहुंच के पंखा उठा कर लिया है और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स ये देखो कैसे खा रहा है चिकन बिरयानी। तो मतलब एक हद पार कर दी है कि बाहर के देश के जो लोग हैं वो भी अगर देखेंगे कि मतलब इतने घटिया लोग कैसे हो सकते हैं, आपकी सोच से भी परे, घड़ी उतार के ले आया, टीवी उतार के ले आया अपने पीएम हाउस से, तो इतनी चीप हरकत कौन करता है। तो इसका थोड़ा मैं जिम्मेदार जो वहाँ बांग्लादेश के जो पुलिस कर्मी हैं उनको भी मानूंगा, क्योंकि अगर उनको पता था कि ऐसा प्रोटेस्ट होने वाला है तो उनको पीएम हाउस को बिल्कुल सेफ, उनकी सिक्योरिटी रखनी चाहिए पीएम हाउस की, उनको वहाँ पे पहले से सिक्योरिटी गार्ड लगाने चाहिए थे। अगर लगा के रखते गनमैन के साथ तो इतने हद तक बात नहीं जाती। और भाई बांग्लादेशी लोगों, भाई आप लोगों को तो मैंने देख लिया, तो बड़े ही सस्ते और बड़े ही छोटी सोच के आप लोग हो इंसान, इतनी घटिया सोच कहाँ से आप लोगों ने पाल ली। आप अपने प्रधानमंत्री के घर पे जाके, चलो उन्होंने कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं करी, चलो हो जाता है कभी हो गया तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया पद से छोड़ के वो इंडिया में आ गए, जो भी बात हो गई, तो उन्होंने आपके घर से तो कोई सामान नहीं चुराया, उन्होंने कुछ ऐसा बड़ा काम तो नहीं करा। तो आप लोग एक पीएम हाउस, अपने ही देश के प्रधानमंत्री जो इतने सालों से प्रधानमंत्री रह चुकी है, तो आपने उनकी इज्जत एक ही बार में उतार दी, उनके घर पे जाके एक ही बार में आपने इतनी बेशरम वाली हरकत करी, जो मतलब इतनी घटिया हरकत करी, जो बोलने और देखने में भी शर्म आ रही है भाई मुझे तो। पूरे टीवी में सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं कोई बकरा मुर्गा लेकर आ रहा है और बिस्तरों में ऐसे सो रहे हैं, और मतलब कोई टॉयलेट, इवन मैंने देखा सोशल मीडिया पे कि पॉट भी उठा के ले जा रहे हो, तो टॉयलेट पॉट भी एक बंदा उठा के निकाल के लेकर गया है। तो इतनी जो बेकार और इतनी सस्ती और इतनी चीप हरकत ये बांग्लादेशियों ने करके दिखाई है, और वो भी किसी बाहर के लोगों के साथ ही, अपने ही देश में, और अपने देश के प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना उसके घर पे जाके करा। और इन्होंने हर सब हदें पार कर दी, जब ये अपने जो शेख हसीना है उनके अंडर गारमेंट ब्रा और ब्लाउज भी यूं करके दिखा रहे हैं जैसे पता नहीं उन्होंने बहुत बड़ी जंग जीत ली है, और सबके फेसेस पूरे वीडियो में आ रखे हैं। तो मैं तो उन जो बंदे हैं जिन्होंने ब्लाउज और ब्रा ऐसे उठा के दिखाई है, और जो भी सारे बंदे जिन्होंने जो जो सामान चुरा के वहां से गए हैं, मैं तो उनके माँ बाप से पूछता हूँ कि भाई आप लोगों ने अपने कौन से बच्चे ऐसे पैदा कर दिए, तो इतनी सी भी तमीज़ नहीं है, इतना भी शर्म नहीं है इनको कि भाई ऐसे इस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हो यार तुम लोग। यही तुम लोग को शिक्षा मिली है बांग्लादेश में, जहाँ पे तुम्हारा प्रधानमंत्री है, जो भी है उन्होंने जो भी किया, एटलीस्ट जब तक प्रधानमंत्री थे तब तक तो उन्होंने ठीक सर्विस प्रोवाइड करी थी, तो आप अपने देश में रह के अपने देश की थाली में ही छेद करते हो यार। छी 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 छी, बिल्कुल मतलब इतने घटिया लोग लाइफ में भी कभी नहीं सोचा था। तो ये एजुकेटेड, ये तो अनएजुकेटेड से भी नीचे बंदे हैं जो इतनी घटिया हरकतें उन्होंने करी है, तो ये देख के काफ़ी अफसोस हुआ। और जो इन्होंने अपनी खुंदक वहाँ पे जो हिंदू लोग हैं, तो हिंदू के घरों में जा जा के उनके घरों पे आग लगाई है, और हिंदू की जो दुकानें उनमें डाका डाला है, खुलेआम चोरी करी है, सब्जियों की दुकान लगाते हैं हिंदू वहाँ पे, उनकी सब्जियां चोरी करी इन्होंने, पूरे वीडियो आप देखेंगे पूरी सब्जियां उठा उठा के ले जा रहे हैं, इतने घटिया लोग हैं। अगर बांग्लादेश में इस वक्त प्रोटेस्ट के टाइम में अगर जो आर्मी ऑफिशियल है, पुलिस अगर स्ट्रिक्ट होती, अगर बिल्कुल एकदम टाइट होके अगर इनसे मुकाबला करते हैं गन वन लेके और अपने तरीके से, जैसे फुल फोर्स के साथ अगर इनके अगेंस्ट, इनके साथ अगर एक्शन पे आते, तो ये सारी ये जितनी भी इन्होंने हरकतें करी है वो बिल्कुल कंट्रोल हो जाती। बट लेकिन क्या पता वो लोग खुद चाहते थे कि कुछ ऐसा प्रोटेस्ट हो पूरी दुनिया देखे, तो क्या पता, यही मेरे अकॉर्डिंग तो यही होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है अगर आर्मी और पुलिस अगर बिल्कुल फुल अगर अपने एक्शन पे आ जाती तो इतना ये सब कुछ इनके किसी के भी बस की नहीं थी। पीएम हाउस पे एंटर करना बहुत बड़ी बात होती है, तो ये सब इनके कुछ बस की बात नहीं थी। जिस तरीके से इन्होंने अपने ही प्रधानमंत्री के घर पे जाके, पीएम हाउस जाके इतनी लूटपाट करी बांग्लादेशियों ने, तो आप इस पे क्या कमेंट करना चाहते हैं, इस तरीके की हरकत को आपके आप किस तरीके से देखते हैं, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।